जय महावीर। हमारे आज के इस कार्यक्रम में खास मुलाकात एक खास शख्सियत के साथ। जी हाँ, जो आज हमारे साथ हैं वो वाकई में खास हैं। जैन धर्म में परपर्युषण की अवधारणा दी थी। पर्युषण का अर्थ यह है आत्मा के समीप रहना। यहाँ आत्मा के समीप रहने का उनका अर्थ था कि हम आत्मा के साथ जुड़ें, अध्यात्म के साथ जुड़ें और आनंद के साथ जुड़ें। दूसरा उनका अभिप्राय ये था कि जब हम परपर्युषण की आराधना करेंगे तो हमारे जीवन में जो दूसरों के प्रति वैर और विरोध है उसको दूर करने की चेष्टा करेंगे। भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में समाज के साथ जुड़ा है। व्यक्ति और समाज अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम समाज में विचरण करते हैं तो हमसे बहुत सी त्रुटियां हो सकती हैं। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए, आपस में मन मुटाव को दूर करने के लिए ही भगवान महावीर ने परपर्युषण की आराधना की थी। इसका जो आठवां दिन होता है उसको हम संवत्सरी शब्द की संज्ञा देते हैं, जिसका अर्थ है वर्ष के बाद एक दिन आने वाला। इस दिन सभी बंधु, सभी जैन लोग परस्पर क्षमा याचना करते हैं। यहाँ भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा खामे भी सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब हुए सु बेरंग मध्यग्न के नहीं। अर्थात मैं सभी जीवों से क्षमा याचना करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। लेकिन यदि हम हृदय से एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, केवल वो हमारी क्षमा याचना औपचारिकता मात्र रह जाती है, तो इस पर्व को मनाने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। आम तौर पर देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के साथ हमारा वैर विरोध होता है हम उससे क्षमा याचना नहीं करते। हम उससे क्षमा याचना करते हैं जिसके साथ ना तो हमारा कोई वैमनस्य है ना हमारा कोई वैर है। ऐसी क्षमा याचना महापर्व समश्री के लिए नहीं है। भगवान महावीर ने कहा था यदि तुम हृदय से एक बार दूसरे को क्षमा कर दो तो आप देखो तुम्हारे जीवन में कितना आनंद आ जाएगा। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आधुनिक युग के सबसे बड़े मनोविज्ञानी, मनोविश्लेषणात्मक ढंग को जानने वाले फ्रायड ने ये बात कही थी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ईर्ष्याएं, बहुत कुंठाएं, बहुत वैर और विरोध भरे पड़े हैं। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं और अंदर से नहीं निकलते, शांत नहीं होते, वो हमारे जीवन को कचोटते रहते हैं। इसी बात को भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले एक नया नाम दिया था, जिसको आधुनिक युग वालों ने, मनोविज्ञानियों ने सबकॉन्शियस माइंड कहा। भगवान महावीर ने उसको कारमान शरीर कहा। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा कारमान शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसमें हमने वैर विरोध और क्लेश भर कर रखे हुए हैं। वो आदमी जो इन वैरों को, विरोधों को, क्लेशों को शांत कर सकता है वही इस पर्व को मना सकता है। जब तक हम मन के अंदर वैर विरोध रखे हुए, जो हमने भरे हुए हैं, इनको दूर नहीं करते, हमारा मन शांत नहीं होता। भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा कि आप कभी एकांत में बैठ करके चिंतन तो करो, करके देखो कि जो आप अपने मन में वैर विरोध और क्लेश भरे हुए हैं और आपका मन कहेगा कि ये तो व्यर्थ थे, इनका कोई अर्थ नहीं था। जब आपको ये पता लगेगा कि इनका कोई अर्थ नहीं था
आपका मन शांत हो जाएगा। इसलिए भगवान महावीर ने महापर्व समश्री की अवधारणा हमें दी है। जब हम अपने मन को शांत करने के लिए दूसरे से क्षमा याचना कर लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। मुझे उर्दू के महान शायर गालिब की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, हमने तो ज़िंदगी को ऐसे बना लिया गालिब, हमने तो ज़िंदगी को ऐसे बना लिया गालिब, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। जब तक हम ना किसी को माफ़ करना जानते हैं ना माफ़ी मांगना जानते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा। ज़माने में उसने गज़ब बात की है, ज़माने में उसने गज़ब बात की है, खुद अपने से जिसने मुलाकात की है। जब आप अपने हृदय से मुलाकात करेंगे, एकांत में बैठ कर के चिंतन करेंगे तो आपके आपको धर्म के मर्म का भी पता चल जाएगा, आपको अपने जीवन के अंदर से आनंद आना शुरू हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिल सकता। ऐसा मानते हैं कि जब भगवान बुद्ध का निर्वाण होने लगा, उनके जीवन के अंतिम क्षण थे, तो उनके प्रधान शिष्य आनंद उनके पास आकर बैठे और रोने लगे। बुद्ध ने कहा, आनंद जीवन का अंतिम क्षण है, तुम रो रहे हो? कहने लगा, महाराज इतना बड़ा संघ है, इसका क्या बनेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा क्या बनेगा। वो कहने लगे, जब तक इंसान जीता रहता है इन संघों की बातें करता है, परिवार की बातें करता है, अब इन बातों को छोड़ो, जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, उन्होंने एक ही शब्द कहा था, अप दीवो भव, तुम अपने प्रकाश खुद हो, तुम अपने दीपक खुद हो, तुम्हें कोई बाहर से प्रकाश देने वाला नहीं आएगा। इसी तरह भगवान महावीर ने कहा कि जब तुम अपने अंतर जगत को टटोलोगे, तुम्हारे हृदय में एक रोशनी होगी और तुम्हें अंदर से ही अपना मार्ग मिलेगा। और जब हम दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं, दूसरा चाहे क्षमा ना भी करे, लेकिन कम से कम हमारा मन शांत हो जाता है। आज इस दिन पर, महापर्व समश्री पर, हम सबसे क्षमा याचना करते हैं, लेकिन ये क्षमा याचना कोरी नहीं होनी चाहिए, ये क्षमा याचना हृदय से होनी चाहिए। आज केवल समाज में ही नहीं, केवल व्यक्ति में नहीं, राष्ट्र में भी देखा जा रहा है, एक दूसरे से बैर विरोध रखते हैं, ना तो दूसरे के मन को, ना तो दूसरे के मन की बात को जानने की चेष्टा करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, और अपनी सत्ता के बल पर, अपने अहंकार के बल पर, अपने बैर विरोध के बल पर दूसरे को गिराना चाहते हैं। इस तरह कुछ नहीं हो सकता। आज इस भौतिकवादी दुनिया में दो ही पंक्तियाँ मैं कहूँगा, लिटिल वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल डीड्स ऑफ लव हेल्प टू मेक दिस अर्थ लाइक दी हेवन अबव, थोड़े से प्यार के शब्द, थोड़ी सी दयालुता की बातें इस धरती को स्वर्ग के समान बना सकती हैं। आओ इस महापर्व पर्युषण के समय पर, महापर्व समश्री के समय पर क्षमा याचना करें, हृदय को शुद्ध और शांत करें, और सबके साथ मिलजुल कर रहें, अच्छी समाज का निर्माण करें, जीवन का निर्माण करें और अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें, तभी हमारा भविष्य सुंदर होगा और आनंदमय होगा। अभी आपने देखा जैन धर्म के महान विद्वान साहित्य रत्न डॉक्टर मुलक राज जी को, और उन्होंने बताया कि हमें इन पावन 8 दिनों में पर्युषण पर्व में किस तरह से साधना करनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और क्षमा याचना करते हुए अपने जीवन में इन चीज़ों को व्यवहार में उतारना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। जय महावीर।